परिस्थिति में प्रधानपति की जलकर मौत, मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के बंदोइया गांव का मामला, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश का अमेठी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी, कभी गांधी परिवार का धरोहर रहा अमेठी, अब दलितों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। अब यहां दलितों का दाह होने लगा है। ताजा मामला एक दलित ग्राम प्रधानपति का है जिसे जलाकर मार दिया गया। मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के बंदोइया गांव का अर्जुन प्रधानपति था जिसे अज्ञात लोगों ने जलाकर मार डाला। वह घर के पास बने बाउंड्री वॉल के भीतर गंभीर हालत में कराहते हुए मिला, जिसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। स्थिति न संभलने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घटना स्थल है जहाँ मिले है, वो गांव के ही एक पंडित जी हैं, उनके हाथे में इनको मिला। हम लोग भी नहीं जानते थे, रात में ही पुलिस को सूचना दी गई, स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई, स्वास्थ्य विभाग वाले लेके गए। और तो क्या लगता है इस घटना के पीछे, क्या लगता इस घटना के पीछे साजिश है सर? हत्या है, हत्या है, निर्मम हत्या है। दलित वर्ग, बैकवर्ड वर्ग को जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक दलित के साथ हुई घटना से पूरा क्षेत्र मर्माहत है। मृतक प्रधानपति अर्जुन की पत्नी का कहना है कि उनके पति को चौराहे से अगवा कर सिर्फ पैसे के लिए मार दिया गया। पैसे मामला चौराहे गए हैं, चौराहे से उनका उठा ले गए, भोज डायन के आतोष, संतोष, रवि, राजेश। हाँ, क्या वजह है, क्या कारण था? सब पैसा मांगा था, कहा था प्रधानी में ढेर पैसा आई है, मैं सब का दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों ने जो तहरीर दी है उस पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल रात में 11:56 पर यह सूचना पुलिस को प्राप्त हुई कि कृष्ण कुमार के हाथे में प्रधान जो हमारे अर्जुन हैं, स्वर्गीय अर्जुन प्रधान के पति, उनकी वो घायल अवस्था में, जली हुई अवस्था में वहाँ पर हैं। तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची और उनको अस्पताल भिजवाया ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ से वो सुल्तानपुर रेफर कर दिए गए। आज सवेरे यहाँ से उनको लखनऊ ले जाते समय जब रेफर किए जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है वो 5 अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसको पंजीकृत किया जा रहा है और साक्ष्य संकलन करके बिल्कुल निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो प्रधानपति अर्जुन की किसी से कोई खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो थे। ऐसे में प्रधानपति की हत्या क्यों हुई, यह जांच का विषय है। स्पेशल डेस्क, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।